हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम लेक्चर तो आज हम इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी कर बिल्कुल मत कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि आप ऐसे ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहे तो प्लीज प्रेस द बेलाइकन बटन तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से ये दिस इज आर फर्स्ट क्वेश्चन

हजार क्या होता है बेसिकली ये होता है डिले और डिले किस चीज का होता है कि आपको पता है कि जो आपके असिंक्रोनस सर्किट होते हैं लाइक यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप वन है ये फ्लिप फ्लॉप टू है और ये फ्लॉप थ्री है ठीक है तो असिंक्रोनस के केस में क्या होगा सबसे पहले जो क्लॉक पल्स होगी वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगी देन सेकंड को एंड देन

ट्रिगर करती है इस तरीके से ठीक है तो वहां पर जो ये है डिले नहीं होता है पैरेलल सबको फ्लिप फ्लॉप को एक क्लॉक पल्स उसी टाइम पर सेम टाइम पर मिलती है तो यहाँ पर जो एडवांटेज होती है सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के इज ऑफ अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू हजार जो प्रॉब्लम हमारी असिंक्रोनस में होती है उसको अवॉइड करता हमारा सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रांजिटिव वोल्टेज फॉर द वोल्टेज इनपुट ऑफ अ सीएमओएस ऑपरेटिंग फॉर फ्रॉम 10 वोल्टेज सप्लाई बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 वोल्ट और वो क्यों होगा क्योंकि सीमोस डिजाइन ऑपरेटेड एट सप्लाई वोल्टेज मच लार्जर देन देयर थ्रेशोल्ड वैल्यू ठीक है उनके जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होते उससे वो ज्यादा ही वो सप्लाई करते हैं ठीक है थीके? तो फाइव वोल्टेज का अगर थ्रेसोल्ड वैल्यू है तो इट विल सप्लाई द वोल्टेज सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट अगला हमारे पास वॉट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डबल वन जीरो बीसीडी नंबर गिवन है जिसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो पहले तो हम क्या करेंगे इस नंबर को एज इट इज लिखते हैं पॉइंट लगाएंगे ठीक है अब हम इसकी पेयरिंग पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 4, 4 की बनाएंगे ठीक है क्योंकि आपको पता है कि बीसीडी का जो कोड होता है वो क्या होता है एट फोर टू वन यानी कि आपको काउंट कर सकते हैं यहाँ पर और जब आपको सिक्सटीन की जरूरत होती है तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए है? आपको फोर ठीक है तो इसलिए आप फोर फोर की पेयरिंग करेंगे और जो आपका यहाँ पे जो इन कम्प्लीट है इसको आप कंप्लीट करेंगे बाय एडिंग द दीरो अब आप बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बीसीडी कोड जो है जीरो टू नाइन तक काउंट करता है इसके बाद ये काउंट नहीं करता है ठीक है तो बीसीडी कोड का पर्पस ही जीरो टू नाइन काउंट करने का होता है तो इससे अगर कोई नंबर ज्यादा आता है तो उसका हमें एक दूसरा सोल्यूशन क्या है हमारे पास लाइक like हमारे पास ये नंबर है वन टू फोर एट यानी कि ट्वेल्व 12 हमारा 0 टू 1 9 के बीच में नहीं आता है इसलिए ये हमारा इनवैलिड नंबर अकॉर्डिंग टू बी सी डी सिमिलरली वन जीरो ये भी हमारा इनवैलिड कोड है तो इनको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वैलिड कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वैलिड कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम जीरो वन वन जीरो एड कर देते हैं ठीक है थीके? यहाँ पर हम जीरो वन वन नहीं ऐड करेंगे क्यों क्योंकि जीरो जीरो वन है यानी कि वन है वन तो ए बी सी डी की रेंज में आता है ठीक है तो इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे हम प्लस करें अब क्या होगा इसका अब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो जीरो 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 प्लस वन वन प्लस वन जीरो वन प्लस वन जीरो ठीक है कैरी ओवर वन अगेन वन प्लस वन जीरो कैरी ओवर वन यहाँ पे ट्रिपल वन है तो यहाँ पे वन अगेन कैरी ओवर वन 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 जीरो फिर वन वन जीरो फिर वन वन जीरो और यहाँ पर ये जो हो जाएगा अब देखो ये हमारी बिट इसके लिए है नेक्स्ट बिट ये है हमारी और उसे नेक्स्ट बिट ये है हमारी ठीक है अब ये नंबर जो है बच्चों बीसीडी के आ गया है अब आपको इसको सिंपली क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि अगर मैं 0100 वन ये किसके इक्विलेंट है टू के इक्विलेंट है 0100 अगेन ये टू के इक्विलेंट है पॉइंट 0010 अगेन ये टू के इक्विलेंट है तो आंसर जो होगा बच्चों वो होगा 22.2। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास The function represented by the K-map given below is हमारे पास ये K-map given है इसके आउटपुट हमें निकालने है। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हो कि अगर आप पेयरिंग करते हो ये जो A का है और इधर ये एक क्वार बनता है और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये जीरो ये जीरो वन ये वन वन और ये वन जीरो और यहाँ पर जीरो है यहाँ पर वन है तो आप क्या देख रहे हैं ए चेंज हो रहा है उसके बाद आपका क्या है बी चेंज हो रहा है और जो सी जो है वो स्टेबल है सी की वैल्यू क्या है सी बार ठीक है तो आंसर तो होगा बच्चों यहाँ पे सी बार लेकिन options में C bar given नहीं है तो कोई बात नहीं कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो एक्यूरेट नहीं दिए जाते हैं बुक्स में लेकिन इसका जो आंसर होगा एक्यूरेट वो सी बार ही होगा फाइन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट प्रिंट एफ लगे हैं। तो अगर मैं ये लगा दू तो क्या हुआ टेन के केस में आपका यहां से आउटपुट आएगी ठीक है और इसके केस में आपकी ट्वेल्व आउटपुट आएगी अब हम इसको दूसरे वर्ड में पढ़ते हैं कि इफ टेन इज ट्रू कैसे पढ़ेंगे इसको इफ टेन इज ट्रू तो क्या होगा आउटपुट विल बी इफ टेन इज ट्रू देन रिटर्न क्या करेगा रिटर्न करेगा जीरो क्वेश्चन मार्क फाइव इज टू वन अदरवाइज ट्वेल्व करेगा ऐसे ही पढ़ेंगे ठीक है नाउ अब ये तो हो गया कि टेन अगर ट्रू है तो ये रिटर्न होगा नहीं तो ये रिटर्न होगा उसके बाद हमारे पास है जो इनर ब्रैकेट है ये वाली इसको हम कैसे पढ़ेंगे if 0 is true अगर ये 0 ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा 5 अदरवाइज 0 अगर फॉल्स है तो ये 1 रिटर्न करेगा ये आपको बच्चों आना चाहिए क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर है ठीक है अब आप देख सकते हो कि यहां पर जो ये 10 ये क्या है ये नॉन जीरो है अगर ये नॉन जीरो है तो क्या रिटर्न करेगा ये 1 रिटर्न करेगा फाइन सो आंसर जो होगा वो होगा आपका 1 सो 1 विल बी प्रिंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये आपके पास code, character star P, this, ये string दे दिया देखो इसमें क्या किया हुआ है यहाँ पर ये चीज समझने के इस लाइन में स्ट्रिंग है आपको जो कि स्टार पी के अंदर स्टोर है अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं सी इक्वल टू प्लस प्लस स्टार पी यानी कि पहले तो आपने कैरेक्टर के अंदर जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर था स्ट्रिंग का उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट किया है उसके बाद आपकी स्ट्रिंग प्रिंट होगी ठीक है तो एक का जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा तो कैरेक्टर कौन सा प्रिंट होगा बी प्रिंट होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है अगला है मेंबर ऑफ अ क्लास स्पेसिफाइड एज डैश आर एक्सेसिबल ओनली टू मेथड्स ऑफ द

उसके मेथड्स को एक्सेस कर पाएगी ठीक है तो यहां पर आप मेथड एक्सेस कर रहे हो उसी सेम क्लास के तो ये होगा आपका प्राइवेट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन yes, हमारा मैच द फॉलोइंग गार्बेज कलेक्शन नेमलेस ऑब्जेक्ट टेम्पलेट सपोर्ट ए फॉरवर्ड रेफरेंस डिराइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास लिस्ट टू है आपकी जावा जेनरिक प्रोग्रामिंग डिफाइंस अ क्लास मेंबर फंक्शन विद अ स्टेटमेंट बच्चों जो गार्बेज कलेक्शन इन होती है ये जावा के अंदर होती है ये गार्बेज कलेक्टर होता है ये प्रोग्राम होता है विच रन ऑन द जेवीएम किस पे रन होता है ये गार्बेज कलेक्टर प्रोग्राम जेवीएम पे और जेवीएम कहाँ होती है जावा के अंदर यूज करते हैं तो ए के लिए तो ऑप्शन वन हो जाएगा नेक्स्ट है आपके पास नेमलेस ऑब्जेक्ट जो नेमलेस ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके विद इन अ स्टेटमेंट होते हैं नेमलेस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जो विद इन द स्टेटमेंट होते हैं उनको आप नेमलेस ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ज, ज, जो टेम्पलेट सपोर्ट करता है उसको जेनरिक प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है तो ए का वन ए का वन आपको मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर बी का फाइव यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है सी का टेम्पलेट सपोर्ट टेम्पलेट सपोर्ट में यानी कि जेनरिक ये टेम्पलेट सपोर्ट होता है जेनरिक प्रोग्रामिंग के अंदर यानी कि सी का टू तो ऑप्शन बी जो होगा बच्चों वो होगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट भी देख लेते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस क्या होता है फॉरवर्ड रेफरेंस आपका डिक्लेरेशन होता है इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर होता है ठीक है डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर होता है और फॉर विच द प्रोग्रामर हैज नॉट येट गिवन अ कंप्लीट डेफिनेशन जिसके लिए प्रोग्रामर जो कंप्लीट डेफिनेशन वो नहीं देते हैं ये पहले डिक्लेयर होता है ठीक है और जो आपका डिराइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम द बेस क्लास ये क्या है डिफाइन जब आप क्लास डिफाइन कर तभी तो ये चीज होती है यानी कि जो आपका ई e होता है ई e का आपका हो जाएगा मेंबर फंक्शन किसको आप इनहेरिट कर सकते हैं मेंबर फंक्शन को आप इनहेरिट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो सिमिलरली आपका जो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा डी के केस में आप एक क्लास के अंदर ही फॉरवर्ड रेफरेंस को डिक्लेयर कर सकते हैं ठीक है ठीके? अगला है हमारे पास द डेटा टाइप क्रिएटेड बाय द डेटा एब्स्ट्रेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड कौन सी डेटा टाइप क्रिएट होती है डेटा एब्स्ट्रेक्शन प्रोसेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ठीक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूजर क्लियर डिफाइन करता है ठीक है स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डिराइव्ड डेटा टाइप है ठीक है और क्लास भी एक डिराइव्ड डेटा टाइप है फाइन सो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा अगला है हमारे पास एन एंटिटी इंस्टांस इज अ सिंगल ऑफ डैश टाइप एंटिटी इंस्टांस एंटिटी टाइप रिलेशनशिप टाइप एंटिटी और रिलेशनशिप टाइप और ऑफ दिस बच्चों जो एंटिटी टाइप होते हैं या तो आप उसको एंटिटी टाइप बोलते हैं या उसको एंटिटी सेट बोलते हैं ठीक है थीके? दोनों ही सेम चीज है तो ये किसका सेट होता है ये एंटिटी इंस्टानसेस के सेट होते हैं एंटिटी इंस्टांस होते हैं आपके एंटिटी टाइप के अंदर यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज होती है एक एंटिटी सेट के अंदर तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा एंटिटी टाइप ठीक है अगला जनरलाइजेशन इज आ टॉप डाउन बोटम अपने बच्चों ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कई बार करवा चुकी हूँ डीबीएमएस के एमसीक्यूज की सीरीज में कि जनरलाइजेशन जो होता है बॉटम अप अप्रोच होती है और स्पेशलाइजेशन क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच होती है एग्जांपल भी मैं दे चुकी हूँ कि मान लीजिए एक टीचर है ठीक है अब टीचर की स्पेशलाइजेशन क्या है वो कौन से सब्जेक्ट को टीच करता है वो कंप्यूटर साइंस का है इलेक्ट्रॉनिक का है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो किस टाइप का इस टाइप से स्पेशलाइजेशन करते जा रहे हैं ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है लेकिन अगर हम इसको इन अदर वर्ड्स में अगर हम रीड करते हैं कोई भी टीचर अगर सी एस सी का ई सी का, e का बट है तो वो टीचर तो ये आपकी बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी तो जनरलाइजेशन क्या है बॉटम अप अप्रोच है कि किसी भी सब्जेक्ट का टीचर जो होगा उसको हम टीचर ही बोलेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सी टीचर है ये ई टीचर है ठीक है अगला हमारे पास मैच द फॉलोइंग 2nf 3nf 4nf और फाइव 2nf क्या करता है कंटेन नो पार्शियल डिपेंडेंसी ठीक है तो a का 3 3nf क्या करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एलिमिनेटेड यानी कि इसका 1 हो जाएगा 4nf क्या करता है कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होते 4nf के अंदर ये रिमूव कर देता है इसका 2 एंड 5nf क्या करता है नो जॉइंट डिपेंडेंसी

अब देखो क्या होता है है हो 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 जाएगा 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 6 हो जाएगा फिर ठीक ये आपका अब इसको अगर मैं लिखती हूँ फोर रेस टू पावर सिक्स तो फोर रेस टू पावर सिक्स क्या होता है बच्चों ये होता है टू रेस टू पावर आप ट्वेल्व भी लिख सकते हैं इसको और टू रेस टू पावर ट्वेल्व हमें याद होता है जनरली क्योंकि हम

Most phrase structure grammar होती है बच्चों ठीक है CSG जो grammar होती है 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 जो होती होती आपकी आपकी वो आपकी phrase structure grammar होती है. Fine. अगला हमारे पास question, ये भी काफी और अगला जो हम करने जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है विच ऑफ दूसड फॉर ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर इन टू टोकन टोकन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ये यूज होता है पार्सर कोड ऑप्टिमाइजर कोड जनरेटर और स्कैन पार्सर क्या करता है पार्सिंग करता है वन बाय वन रीडिंग करता है कोड ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइज करता है हमारे कोड को उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करता है कोड जनरेटर जनरेट करता है कोड को और स्कैनर क्या होता है स्कैनर का अदर वर्ड्स अगर मैं बताऊं कि यू कैन से लेक्सिकल एनालाइजर ठीक है स्कैनर और

स्कैन सी स्कैन लुकअप सारे एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं ये डिस्क शेड्यूलिंग के होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है बैच प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग इंटर प्रोसेस टाइम शेयरिंग आपको पता होना चाहिए किस में होती है राउंड रॉबिन के अंदर होती है ठीक है और जो बैच प्रोसेसिंग होती है बच्चों ये बैच प्रोसेसिंग के लिए हमारा है इसमें इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीरीज ऑफ जॉब इन अ प्रोग्राम ओन ए कंप्यूटर ठीक है और ये बैच प्रोसेसिंग जनरली क्या होती है कि ये एफआईएफओ बेस्ड है जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट उसकी आउटपुट मिलेगी ठीक है और इंटरप्ट प्रोसेसिंग आपकी लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है सो ऑप्शन ए का 2 ऑप्शन ए का 2 मिल गया आपको बी का 4 मिल गया बिल्कुल ठीक है सी का 1 है और डी का आपका थ्री हो जाएगा सो ऑप्शन सी जो होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर अगला देख लेते हैं क्वेश्चन द डैश सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट द डेडलॉग पी ऑपरेटर वी ऑपरेटर सेमाफोर और स्वेपिंग बट सेमाफोर जो होता है ये सिंक्रोनाइज करता है क्रिटिकल रिसोर्सेज को डेडलॉग से ठीक है सेमाफोर आपका मोनिटर ये सब जो टेक्निक है ये हमारी और डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए काम आती हैं सो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा डैश इज वन ऑफ द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ और इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम अब आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आप मेरे रेगुलर देखते हैं आप मेरे वीडियोस को तो प्रीएम्प्टिव मतलब क्या होता है कि रनिंग प्रोग्राम को अगर आप बीच में स्टॉप करते हो उसको हम प्रीमेटिव कहते हैं और अगर आप रनिंग प्रोग्राम को रोक नहीं सकते हो किसी भी कंडीशन पर तो उसको नॉन कहते हैं और रोकना किससे है कि एक बार आपको सीपीयू अगर असाइन हो जाता है तो सीपीयू को आप वापस ले लेते हैं तो उसको प्रिमेटिव बोलते हैं और सीपीयू को आप वापस नहीं ले पाते तो उसको नॉन प्रिमेटिव बोलते हैं बच्चों ये फर्स्ट है आपका राउंड रोबिन और ये है आपका शॉर्टेस्ट नेक्स्ट और ये आपका है ssf और ये प्रायोरिटी बेस्ड है तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है इसमें हम टाइम क्वांटम असाइन करते हैं एज द टाइम क्वांटम एक्सपायर योर सीपीयू विल स्विच टू द नेक्स्ट प्रोग्राम सो दिस इज द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट होगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से करना अगला देख लेते हैं इन ऑर्डर टू अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन बाइनरी सेमाफोरा इनिशलाइज टू आपको पता है कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आपका एक प्रोग्राम जो है रन होता है ठीक है और ये क्रिटिकल सेक्शन क्यों बनाया था प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए बनाया था ठीक है तो क्रिटिकल सेक्शन में किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट होना है तो वहां पर पहले उसको एंटर होना होगा क्रिटिकल सेक्शन में तभी वो वहां पर एग्जीक्यूट हो पाएगा और जब तक एक प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन में है तब तक दूसरा कोई प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता ये हमारी सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम वो है कंडीशन है ठीक है तो अगर आपका बाइनरी सेमाफोर को आप वन से कर देंगे जब एक प्रोसेस आपका ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो आप क्या इंडिकेट करेंगे कि बाइनरी सेमाफोर वन है यानी कि वैल्यू ट्रू है जैसे ही वो प्रोसेस बाहर आ जाएगा जाएगा क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो तो बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो तो इस केस में क्या हो जाएगी वन हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसेस आपका क्या है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर चुका है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व टाइम शेयरिंग एंड बैच प्रोसेसिंग बच्चों ठीक है यहाँ पर क्या होगा कि रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज में क्या होगा कि आपके जो रिमोटली आपको अगर कोई एग्जीक्यूट कराना है तो रिमोटली कब कराते हैं हम सिर्फ बैच प्रोसेसिंग में कराते हैं कि जहां पर आपके जो यूजर का इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही कम रहता है ठीक है और टाइम शेयर क्या करते हैं हम डिफरेंट जितनी भी हमारे पास जॉब आई होती है उनको हम टाइम शेयरिंग के बेस पर करते हैं कि पहले हम फर्स्ट जॉब को उठाएंगे बैच से उसको कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे फिर बैच से हम दूसरी पोस्ट को उठाएंगे उसको हम कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑप्शन सी जो होगा वो हो इसका करेक्ट होगा अगला है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइमरली एम्स टू रिलायबल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव नफ़ दम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मेन क्या होता भी चाहिए और भी चाहिए. का मतलब क्या है ठीक है सो रिलायिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डायरेक्टली डिपेंड ऑनबर ऑफ एर प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन अगला हमारे पास टॉप डाउन डिजाइन डज नॉट रिक्वायर स्टेप वाइज रिफाइनमेंट

एक मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं सो ऑप्शन बी जो है बच्चों वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए कि टॉप डाउन लूप इन के केस में रिक्वायर नहीं है अगला देख लेते हैं विच मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वाटरफॉल मॉडल जो सबसे आसान है क्योंकि हर एक पर इसकी होता है. So, हो वो हो इतना सिंपल नहीं है क्योंकि आपको पहले यूजर की प्रॉब्लम को समझकर प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा फिर उससे क्या करना पड़ेगा उसका फीडबैक लेना पड़ेगा फीडबैक के बेस पर फिर आपको मॉडल के अंदर एनहांसमेंट करनी पड़ेगी ठीक है तो ये एक प्रोसेस जो है ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है वाटरफॉल तो मॉडल सबसे इजी की स्टार्टिंग में आपने यूजर से प्रॉब्लम ली और उसके बाद आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है भले ही इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक है ये मोस्टली डिज़ायरेबल सॉफ्टवेयर वो सॉरी मॉडल नहीं है बट सबसे इजी की अगर बात की जाए तो वाटरफॉल मॉडल है बट अगर डिज़ायरेबल की बात की जाए तो डिज़ायरेबल वाटरफॉल मॉडल बिल्कुल भी नहीं है अगला है हमारे पास डिज़ाइन फेज विल यूजली बी टॉप डाउन बोटम अप रेंडम और सेंटर फ्री तो डिजाइन फेज जनरली टॉप डाउन अप्रोच में यूज करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की भी बात करते हैं तो पहले हम क्लास डिक्लेयर करते हैं ठीक है उसके पास जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को हम बाहर ही कोशिश करते हैं उन मैथड्स को डिफाइन करने की तो ये क्या अप्रोच है ये टॉप डाउन अप्रोच होती है और जो भी हमारा प्रोग्राम होता, होता है मेन से स्टार्ट होता है मेन में हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ही हम क्लास तक पहुंच पाते हैं तो ये सारे का सारा क्या है टॉप डाउन अप्रोच के बेस पर ही होता है अगर आपसे पूछा जाए कि C++, uh, कौन सी प्लस प्लस कौन से अप्रोच का यूज करते हैं तो आप कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इट इज यूज टू कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं इट इंक्लूड्स प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प हेल्प प्रोग्रामर्स प्रोग्रामर्स करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं और अगला क्या परफॉर्म है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए होते हैं सो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा द कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क इज यूज डिटरमाइंड बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्विचिंग और सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी और नन ऑफ द बच्चों जो कॉस्ट होती है नेटवर्क की वो डायरेक्टली डिपेंड होती है सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी पे ठीक है सर्किट आपका जैसा होगा क्योंकि सर्किट बनाने में बहुत ज्यादा कोस्ट की कोस्ट लग जाती है तो जो नेटवर्क की जो टोटल कॉस्ट अगर मेजर की जाती है तो ये देखा जाता है कि सर्किट उसका कितना कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कितने डिवाइसेस यूज होते हैं कितने वायर्स यूज होते हैं कौन सा कनेक्शन आप दे रहे हैं ठीक है थीके? ये सब आप कंसीडर करते हैं तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा

ट्रांसमिट करता है डिजिटल वॉइस को ठीक है किसको ट्रांसमिट करता है डिजिटल वॉइस को डेटा को और वीडियो सिग्नल्स को अगला क्वेश्चन हमारे पास सीडीएम में सेल यूजेस कैरियर ऑफ 1.25 मेगाहर्ट्ज तो सीडीएम इस सेल यूजेस नाइन कैरियर्स ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें थोड़ा सा याद भी करने वाले ये सारे आपके क्या रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही क्या है रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन बाकी जो अभी तक हमने किए वो सारे कॉन्सेप्टअल है लेकिन ये रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो इन को भी बच्चों ध्यान से करना तो ये था बच्चों आज का वीडियो उम्मीद करती हुए कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे तो बच्चों आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग माय वीडियोस बाय कमेंटिंग और बाय शेयरिंग और अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो